चलिए अब रुक करते हैं राजधानी बिलासपुर का, जहां से हमारे सहयोगी सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, बिलासपुर में लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही क्राइम की घटनाएं भी लगातार देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ और जानकारी है इनको लेकर? बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए एक बड़ी कार्यवाही को लेकर के उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि बिलासपुर के सिंस के डीन के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई है, और ये बड़ी कार्यवाही इसलिए किया गया है क्योंकि सिंस के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा स्ट्रेचर पर मरीजों के बजाय गमले को उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, इसी को लेकर के एक बड़ी कार्यवाही डीन ने की है। दोनों कर्मचारियों के ऊपर उनके जो सेवा है उनकी समाप्ति कर दी गई है, क्योंकि बड़ी कार्यवाही है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के छत्तीसगढ़ के जो बड़े दिग्गज नेता है, या फिर मैं कहूँ स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार इसको लेकर के काफी संवेदनशील है। साफ तौर पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए लगातार उनके द्वारा अपील भी किया जा रहा है, और इस तरह की लापरवाही करने वाले जो कर्मचारी उन पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली है, जहां सिंस के डीन ने दोनों कर्मचारियों के जो उनके सेवा समाप्ति है उन पर सेवा समाप्त कर दी गई है। बिल्कुल देखिए कमलेश्वरी, अब छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरू कर दिया गया है, शुरू होना है, क्योंकि जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि जो किसान है उन्हें ऑफलाइन के साथ साथ उन्हें ऑनलाइन के द्वारा जो टोकन है वो कटवा सकते हैं। इसको लेकर के देखिए 7 दिन का समय दिया गया है, जैसे कोई आज अगर टोकन कटवाता है तो कहीं ना कहीं वो 15 तारीख को उनकी टोकन की बारी लगेंगी। इसी तरह से टोकन का प्रक्रिया शुरू हो चुका है, जो किसान है वो टोकन कटवा रहे हैं, यानी कि 14 नवंबर को धान की खरीदी जो किसान है वो कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से राजधानी बिलासपुर है, बिलासपुर में कहीं ना कहीं लगातार एक्सीडेंट हो या फिर क्राइम हो लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो युवक है, नाबालिग युवक, वो ट्रैक्टर से गिरकर उनकी मौत हो गई है, और ट्रैक्टर से जो चलाने वाला युवक था वो भी नाबालिग था, और साथ ही साथ इसमें बैठने वाले जो मृतक है वो भी नाबालिग था। तो एक बड़ी ये मैं कहूंगा लापरवाही, क्योंकि जिस तरह से ये अगर थाने की बात करें या फिर यातायात पुलिस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इन ऐसे मामलों पर उन्हें गंभीरता से लेनी चाहिए और इन पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो एक्सीडेंट्स होते हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग सके। अगर इस तरह की अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं दोनों, या फिर पुलिस प्रशासन की बात करूं या फिर ट्रैफिक व्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं दोनों की लचर व्यवस्था की वजह से इस तरह की जो घटना है वो सामने आती है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कमलेश्वरी, देखिए तारबहार थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग को पीटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक युवक है आपसी रंजिश को लेकर दिव्यांग को पीटा जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से मामले को गंभीरता से लेने की बात कर रही है तारबहार पुलिस, और हो सकती है इस पर ये बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, जो अपराधी है उन पर कहीं ना कहीं आज हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण खबर बिलासपुर के मोपका चौकी से निकलकर सामने आई है, जहां पर जो वेल्डिंग दुकान में वेल्डिंग कर रहे गैस सिलेंडर फटने से एक युवक की मौत हो गई है। जिस तरह से ये मैं कहूंगा लापरवाही ही है, साफ तौर पे ये देखना होता है कि अगर पूरी व्यवस्था देखनी होती है कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं और इसमें क्या जो प्रक्रिया है या फिर जो शासन की गाइडलाइंस है उस पर किस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये तमाम जो चीजें हैं उनको अधिकारियों को देखना चाहिए। लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो न तो मौके पर पहुंचते हैं और न इस जगह पर मुआयना करते हैं, लिहाजा इस तरह की घटनाएं आती है और जो आम जनता है वो अपनी मौत की जान की बाजी दे करके वो अपनी कीमत चुकाते हैं। जी कमलेश्वरी जी, बिल्कुल आंकड़े बताते हैं कि लगातार प्रशासन की लचर व्यवस्था, साथ ही पुलिस की ही लापरवाही जो है इन सब चीजों में सामने आती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुधीर। हमारे सहयोगी सुधीर सुमन, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी घटनाएं जो बिलासपुर से सामने आ रही है, जिनमें कई घटनाओं में पुलिस की भी लापरवाही देखी जा रही है, वहीं लगातार नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की भी कई घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें लोगों की मौतें भी सामने आ रही है। चलिए